हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर और नाइनफील्ड और मेरा नाम है अनुज। तो आज हमारा सेकंड डे है और सेकंड डे हमारा स्टार्ट हुआ है रामपुर से। रामपुर शिमला से 130 किलोमीटर की दूरी पे है। आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। खाने पीने का और रहने का, स्टे करने का, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वगैरह है नहीं यहाँ रुकने की। फिर से हम निकले हैं चितकुल के लिए। देखते हैं आज चितकुल पहुँचेंगे या नहीं। कल हम चितकुल इसलिए नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि एक तो हमें पता नहीं था कि चितकुल की दूरी, मतलब हमने बस नेट से देख ली कि 600 किलोमीटर है, बाकी हम इतने प्रो थे नहीं, पहली बार राइड पे निकले हैं, तो हमें पता ही नहीं था हाईवे पे बाइक चलाना और पहाड़ों में बाइक चलाना मतलब कैसा होता है। हाईवे पे तो बस सीधी चल रही है एकदम स्मूथ, पहाड़ों में इतने सारे कर्व हैं, ऊपर से सिंगल रोड है और रोड भी मतलब पूरा एकदम स्मूथ नहीं होता, जैसे मतलब सारे रोड अच्छे अच्छे हों, बीच में बहुत सारे पैचेस आ जाते हैं, गड्ढे आ जाते हैं लैंडस्लाइड की वजह से, तो वहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्लो बाइक चलानी होती है। इस वजह से मतलब यही रीज़न है पहले दिन में चितकुल ना पहुँच पाने का। जो और बताता हूँ, जब आप किसी लॉन्ग राइड पे निकलते हो ना, तो मतलब अपने राइड करते टाइम हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करें, इस चीज़ के ना डायरेक्शंस बना लेना पहले ही। हमने भी इसी तरह से बनाए थे। राइडिंग हमेशा ना एक ही लाइन में करो, रश ड्राइविंग बिल्कुल मत करो, वरना तो पहाड़ ले जाएंगे आपको अपने साथ ही अगर खेल खेलोगे तो। तो मतलब एक लाइन में चलो, एक के पीछे एक चलो और उस बंदे को सबसे आगे रखो जिसे मतलब रूट का सारा पता हो, सारी जानकारी उसके पास हो, वो बंदा सबसे आगे रखो। और उस बंदे को सबसे बीच में रखो, उस बंदे को जो मतलब स्लो चल रहा हो अगर, क्योंकि उस बंदे को सबसे पीछे रखोगे तो वो खो जाएगा, फिर बार बार आपको बाइक रोक के उसका वेट करना पड़ेगा। हमने भी ऐसे किया था, पिचकारी और बतौले को मतलब सबसे पीछे रहने ही नहीं दिया, उन्हें बीच में रखा। उनका ये सीन है ना, वो दोनों सखियाँ हैं, अगर उन्होंने जैसे ही हम सबसे पीछे रख रहे थे ना, और जैसी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ के देखो तो वो खो जाते थे, फिर उनका वेट करना पड़ता। और वेट भी ऐसा करना पड़ता, उनसे पूछो ना कि मतलब क्या रीज़न था तुम्हारा, तुम कहाँ खो गए थे, तो रीज़न नहीं बताते। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं कि यार इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसे ऐसे करके लड़ाई लड़ने लग जाएंगे, मतलब रीज़न नहीं देंगे आपको। तो हम इस फॉर्मेशन में चल रहे थे तो हमें पहला वाटरफॉल मिल गया है। चलो देखते हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है इसे देखने में। वैसे और एक चीज़ और बताता हूँ, जब आगे वाले को रुकना होता है ना, तो वो एक हाथ अपना ऊपर करता है, जिससे उसके पीछे वाले को पता चल जाता है कि हमें बाइक स्लो करनी है क्योंकि आगे वाले को रुकना है। उसी तरह से अगर पीछे वाले को रुकना होता है तो वो ना तीन बार हॉर्न बजाता है, मतलब तीन तीन के फॉर्मेशन में लंबे हॉर्न बजाता है, जिससे आगे वाले को पता लग जाता है कि तीन बार हॉर्न बज रहा है तो मतलब कि अब हमें रुकना है। ऐसे ना आप मतलब राइड करते टाइम ना कम्युनिकेशन डायरेक्शन ज़रूर रखो, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत काम आएंगे। आप मोबाइल नेटवर्क के सहारे नहीं रह सकते, क्योंकि मोबाइल बहुत मतलब मोबाइल नेटवर्क नहीं आते पहाड़ों में, इतने स्मूथली काम नहीं करते। आपको मोबाइल बस फ़ोटो खींचने और वीडियो बनाने के ही काम में आएगा। कि आपके पास भी ऐसे कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके, हम आगे से उन्हें भी फॉलो करेंगे। Thank you.
यहाँ पे योगेश जी अपने मोबाइल से एक सिनेमैटिक व्यू कैप्चर करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये महान इंसान है। पूरे ट्रिप पे मैं किसी की तारीफ नहीं करूँगा, सिर्फ योगेश की। इन्होंने पूरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभाला हुआ था। एक बिग थैंक यू है योगेश को। तो फाइनली हम चितकुल पहुंच चुके हैं। चारों तरफ बर्फ से घिरे हुए पहाड़ी पहाड़ हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यू। और ये इंडिया का लास्ट विलेज है, सबको पता ही होगा ऑलरेडी। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये ना हाईवे से 30 किलोमीटर अंदर जाके है, मतलब एक कट पड़ता है वहाँ से, फिर आपको 30 किलोमीटर जाना होता है, उसके बाद आपको चितकुल मिलेगा। और रोड ना मतलब ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक सा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगे तब भी बताना, अच्छी ना लगे तब भी बताना। कोई सजेशन हो तो जरूर ही बताना। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।